आज हम बनाएंगे हरा चना और मलाई की स्वादिष्ट सब्जी, जो आपने ना तो पहले कभी खाई होगी और ना अभी कभी आपने बनते देखी होगी। मैं काफी बार बनाता हूँ, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। थोड़ी सी हेल्थ अगर आप कॉन्शियस हैं तो उसमें मलाई का थोड़ा सा यूज ना करें, पर कभी कभार तो चलता है, खा सकते हैं। तो यहाँ करीब 300 ग्राम हमने छिले हुए हरे चने लिए हैं, ताज़ा ताज़ा। ये सर्दियों में आते हैं, मार्च के लास्ट तक आते हैं, उसके बाद भी थोड़े दिन आते हैं, उसके बाद ये आना बंद हो जाते हैं। तो यही सीजन है इनको खाने का, फिर आपको ये पूरे साल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ हम इसको बनाना शुरू करते हैं, इनको रखते हैं अभी साइड में। इनको धो लिया है हमने अच्छे से, दो बार वॉश कर लिया है और उसमें से छिलके वगैरह निकाल दिए। दो तरीके के मिलते हैं आपको, छिले हुए भी मिलेंगे मार्केट में और बिना छिले हुए भी मिलेंगे। पहले लेते हैं एक मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हम डालते हैं 4 छोटे साइज की सूखी लाल मिर्च, 2 इंच डालते हैं इसमें अदरक, यहाँ डालते हैं 10 से 15 हम इसमें लहसुन की कलियाँ, करीब 2 बड़े साइज की प्याज, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने, 1 ग्राम डालेंगे इसमें जावित्री के फूल और इसे अब महीन पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने ये पेस्ट बना लिया है बिल्कुल महीन, इसको रखते हैं साइड में। कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और यहाँ डालते हैं 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हमने जो मिक्सी में पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है, इसे मिलाएंगे तो दिखेगा नहीं, और ये हल्का हल्का सा इसे छोड़ेंगे तो ये देखिए तेल अलग होने लगा है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें डाल देने सीधे डायरेक्टली चने। चने में डाल देंगे हम 1/2 टेबल स्पून नमक और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और करीब 2 मिनट इसे हम इसमें मसाले में चलाएंगे। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से 2 मिनट चला लिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं करीब 1 कप पानी। और मिक्स कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे बस, और इसको रख देंगे हम मीडियम लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए ढककर। तो यहाँ पूरे 6 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, 2 बार हमने इसे चेक किया था। ढक्कन हटा लेते हैं अब और इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से चने पक गए हैं, हमने टेस्ट करके देखे हैं, अभी गैस करते हैं बंद। अब आप चाहें तो इसे खाली करके इसी कढ़ाई को यूज़ ले सकते हैं। अब हम इस पर तड़का लगाएंगे, मलाई फ्राई करके इसमें मलाई डालेंगे। तो इसे रखते हैं साइड में। डालते हैं इसमें सबसे पहले 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर घर का कुटा हुआ पिसा हुआ। अब एक्चुअली हम लाल मिर्ची ले चुके हैं यूज़ में, फिर हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी जो कम तीखी होती है, 1 टेबल स्पून। डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसे करते हैं मिक्स। हम करीब 1 चम्मच तेल, जीरा करीब 1/2 टेबल स्पून, गैस रखेंगे लो फ्लेम पर और ये जो मसाला हमने बनाया था ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम मसाले को उसको पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले में जो हमने तेल डाला है वो हल्का हल्का छूटने लगा है, और अब इसमें हम करीब 200 ग्राम मलाई डाल देंगे घर की निकली हुई फ्रेश। आप इस जगह क्रीम भी ले सकते हैं। आप इसे पकाएंगे अच्छे से इसके अंदर।
ये देखिए मलाई को हमने अच्छे से पका लिया है, मलाई को आपको अच्छे से पकाना है, क्योंकि अगर आपने निकाल के रखी है तो थोड़ी सी स्मेल मारती है, वो आपकी रेसिपी ख़राब कर देगी। और यहाँ डालते हैं हम आधा कप इसके अंदर दूध, और इसे भी हम पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से दूध भी पका लिया है इसमें। अब ये दूध है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। इसमें डालते हैं हम 8 से 10 पिंच लौंग का पाउडर, मिक्स कर लेते हैं, गैस करते हैं मीडियम लो फ्लेम पर, और इसमें उठाकर हम डाल देते हैं हमारे चने। और अब गैस कर देते हैं वापस हाई फ्लेम पर और इसे मिक्स कर लेते हैं इसमें अच्छे से। फ्रेंड्स मुंह में पानी आया ना, अब जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे उनके लिए मुंह में नहीं आएगा। वर्जिश करिए, खाइए, बनाइए। तो इसमें हम थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देते हैं 1 टीस्पून, तो अब हम यह करते हैं सब्जी मसाला डाल दिया, थोड़ा सा इन चनों को क्रश कर लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा और ये खाने में इतने स्वादिष्ट लगेंगे कि आधी कढ़ाई तो आप ही खा जाएंगे, लेकिन थोड़ा सोच समझ के खाएं, क्योंकि चना खाने के बाद में रात को आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ये गैस भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें क्रश कर लिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप पानी, ये कढ़ाई भी साफ़ हो गई पुरानी वाली, और इसे डालते हैं इसमें बारीक कटा वाला धनिया, और थोड़ा देर और इसे चलाते हैं। और इसे रख देते हैं हम ढककर करीब 2 से 3 मिनट के लिए। हो चुके हैं पूरे 2 मिनट, और गैस एक बार हाई फ्लेम पर करके इसे चला लेते हैं। तो ये तैयार है हरा चना मलाई की सब्जी। आप एक बार जरूर बनाना और खाना, और खिलाओगे जिसको वो आपके गुण ही खाएगा। तो चलिए फ्रेंड दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गैस करते हैं बंद। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी ये रेसिपी बनाएं और आपकी कैसी बनी वो मुझे नीचे आके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाए उसे खाकर ख़त्म करते हैं।